निकाल सकते हैं, कम हो गए। कारण क्या है? ये ऑनलाइन का क्लास था, बच्चों के पास भेज गया मोबाइल, और उठेंगे मोबाइल के साथ, सोएंगे मोबाइल के साथ, पक्का। अब हमारे छोटे बच्चे लोग पहले सो गया, एक हम लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए है मैं टीचर लोगों से जब मिलता मैं बोलता हूं कि आदि है ना गूगल सर्च करो मिलेगा। और पेरेंट्स हमारे जब हम छोटे थे मम्मी के बिना पापा के बिना घर के बिना दीदी के बिना भैया के बिना एक घंटा गुजरना बिताना मुश्किल था, सही है ना। लेकिन आज बच्चों को एक मोबाइल दे दो, आप लोगों की जरूरत नहीं है, मम्मी आप जाइए ना आप काम करते रहिए, मेरे लिए है मोबाइल। अभी ये हमारे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय, इसी के ऊपर शायद हम लोग ध्यान नहीं देंगे। इसलिए हम छोटे थे शिक्षा बोले तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स है ना, स्कूल और बच्चे लोग। लेकिन आज हम शिक्षा के बारे में जब हम बात करते हैं, टीचर्स स्कूल बच्चे और सबसे अहम है पेरेंट्स, क्योंकि ये सही है कि आप लोग ये बच्चों को सुबह 8 बजे से लेकर 3:30 बजे तक शुरू होते हैं, 6:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, और जब दो बच्चे लोग मैट्रिक में हैं 7-8 बजे तक स्कूल में रखना है। पेरेंट्स का उम्मीद है कि बच्चे लोग खड़ा आएंगे तो पढ़ाई नहीं करते, इसलिए ऐसा व्यवस्था करके नीट परीक्षा IIT में पास करने के लिए, नीट मालूम है ना, नीट हमारा मेडिसिन का एंट्रेंस टेस्ट है, IIT परीक्षा MBA परीक्षा का तैयारी स्कूल से शुरू होता है, इसलिए उसकी तैयारी में स्कूल में मैं हमारा ही एक स्कूल गया कर्नूल में, अरे यार बच्चे लोग 7:30 बजे तक मैट्रिक बच्चे सब बच्चे लोग, तो उनका पेरेंट्स बोलते हैं कि सर आएंगे तो टीवी देखेंगे मोबाइल देखेंगे बैठ के नहीं पढ़ेंगे, और वहां का माहौल अलग है। लेकिन मैं तो बर्बाद कुछ भी हो, मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोग हमारे बच्चों के ऊपर न केवल मदद के रूप में लेकिन हम बहुत एक साथी के रूप में चलना। मम्मी लोग अपनी बेटी के लिए न केवल एक माँ बल्कि एक साथी के रूप में, और हम पापा लोग हमारे बेटे के साथ और बच्चों के साथ न केवल एक पिताजी के रूप में बल्कि एक साथी के रूप में एक दोस्त के रूप में जीने की आवश्यकता है। हमको मालूम है कि हमारा पूरा भारत का कानून भी बिगड़ गया है, सॉरी नियम कुछ लोग रोज मिलते सही है ना, और जब हम पापा को बोलते थे कि और पापा को पता चला कि टीचर का पिटाई मिला पापा की ओर से और रही सही है ना, आज क्या है, आज इनमें से कोई और हम बच्चों को थोड़ा एक थोड़ा धंधा चला सकता है क्या, तुरंत जेल जाना पड़ा। और न केवल टीचर्स पेरेंट्स आपके खिलाफ भी बच्चे लोग जाके शिकायत करेंगे तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा, मालूम है क्या कानून, यस कानून बदल गया। लेकिन ये पूरा कानून बदलने से मेरा एक ही सवाल है कि जितना हम विनम्र है, जितना मूल्य हमारे जीवन में है अपने दिल में है, ये कानून से नहीं मिलता। इतना सुधार और सुविधा होने के बावजूद भी, इतना सुविधा हमारे पास होने के बावजूद भी हमारे अंदर के अंदर लगता है कि अरे यार ये तो कलयुग है, ये हमको लगता है कि ये अंग्रेजी में एक नेगेटिव नकारात्मक है मेरे लिए, जब मैं आपके साथ कॉम्बिट करूंगा तो मेरा लक्ष्य क्या होगा, आपको मैं दबाऊंगा, है ना।